60 के दशक के अंतिम दिनों में बॉम्बे सेंट्रल के रेलवे स्टेशन पर दो युवा एक जैसी कद काठी और एक जैसे सपनों के साथ आए थे, एक पंजाब का, दूसरा इलाहाबाद का। दोनों बॉलीवुड में अपना कैरियर बनाना चाहते थे। दोनों आगे चलकर बॉलीवुड फिल्मों के महान कलाकार बने, जिन्हें हम विनोद खन्ना और अमिताभ बच्चन के नाम से जानते हैं। इन दोनों कलाकारों ने अपने संघर्ष और प्रतिभा के बल पर फिल्मों में नाम तो बनाया, पर दोनों की मंजिलें अलग हो गई। एक को जहां सदी के महानायक सरीखी पदवी दी गई, वहीं दूसरे ने अपनी अपार प्रतिभा का सदुपयोग नहीं किया और वह हासिल नहीं कर पाए, जिसके वह दावेदार और कहीं न कहीं हकदार भी थे। आज के इस बेहद रोचक एपिसोड में हम विश्लेषण करेंगे विनोद खन्ना साहब की उन गलतियों की जिन्होंने उन्हें महानायक नहीं बनने दिया और उन्हीं के सहकलाकार अमिताभ बच्चन की सुपरस्टार बनने की राह बनाई। तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को पूरा देखते रहिए। दोनों के शुरुआती फिल्मी कैरियर पर गौर करें तो पता चलता है कि जहां विनोद खन्ना मन का मीत और नतीजा जैसी फिल्मों में खलनायक बने, वहीं अमिताभ बच्चन ने साथ हिंदुस्तानी में सहायक भूमिका निभाई। यहां यह जानना बड़ा दिलचस्प हो जाता है कि दोनों को ही अपनी अपनी पहली फिल्म में किसी अन्य के रोल छोड़ने और उन्हीं के रिकमेंडेशन से मिली थी, जहां मन का मीत विनोद खन्ना को उस दौर के स्थापित चरित्र अभिनेता व खलनायक मनमोहन के रोल छोड़ने और सुनील दत्त को इनका नाम सुझाने से मिली थी। वहीं अमिताभ को साथ हिंदुस्तानी फिल्म तीनू आनंद के फिल्म छोड़ने और इसके निर्देशक के अब्बास को इनका नाम सजेस्ट करने से हासिल हुई थी। मन का मीत और साथ हिंदुस्तानी दोनों साल 1959 में आई इन दोनों की डेब्यू फिल्म रही। अपनी अपनी फिल्मों में दोनों ने अच्छा काम तो किया, पर विनोद खन्ना को एज विलेन लोगों ने खूब पसंद किया। इसके दो सालों के बाद 1971 में दोनों के कैरियर में वह फिल्में आई जिससे उन्होंने इस बात का संकेत दे दिया कि यह लंबी रेस के घोड़े हैं। यह फिल्म थी मेरा गांव मेरा देश और आनंद। विनोद खन्ना फिल्म मेरा गांव मेरा देश में एक ऐसे खलनायक के तौर पर दिखे जो फिल्म के नायक धर्मेंद्र से किसी भी मामले में कम नहीं थे, चाहे बात हैंडसमनेस की हो या फिर एक्टिंग की। उधर आनंद में अमिताभ बच्चन इस बार बड़ी भूमिका में दिखे जो कि फिल्म के सहनायक थे, जहां फिल्म मेरा गांव मेरा देश उस साल की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। वहीं आनंद ने उस साल के फिल्म फेयर अवार्ड्स में सर्वाधिक 6 अवार्ड्स जीते। फिल्म मेरा गांव मेरा देश ने विनोद खन्ना को सबसे हैंडसम विलेन की उपाधि दिलवाई। वहीं आनंद फिल्म के लिए अमिताभ बच्चन ने उस साल के बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड जीता। यहां यह भी कहा जाए तो गलत न होगा कि उन दिनों अगर फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट विलेन के अवार्ड्स की कोई कैटेगरी होती तो मेरा गांव मेरा देश के लिए निसंदेह विनोद खन्ना इसके सबसे बड़े दावेदार होते। खैर, इसके बाद दोनों अपनी अपनी बुद्धिमता के अनुसार फिल्में चुनने लगे, जहां विनोद खन्ना ने कम बजट की फिल्मों में हीरो व सहायक भूमिकाएं करनी शुरू कर दी, वहीं अमिताभ बच्चन ने बड़ी बजट की और नामचीन निर्देशकों की फिल्मों का बड़ी सावधानी से चयन करना शुरू किया। इसी क्रम में अमिताभ बच्चन की प्रकाश मेहरा द्वारा निर्देशित फिल्म जंजीर आई और फिल्म ने वह कमाल किया कि अमिताभ बच्चन एंग्री यंग मैन बनकर उभरे, जबकि विनोद खन्ना ने हम तुम और वो एक हसीना, दो दीवाने और 5 दुश्मन जैसी दर्जनों फ्लॉप फिल्मों में काम किया। अगर इस दौरान विनोद खन्ना अधिक फिल्मों के जगह पर कम और गुणवत्तापूर्ण फिल्मों को चुनते तो बात कुछ और ही होती। खैर, अभी भी बात नहीं बिगड़ी थी और साल 1974 में विनोद खन्ना ने हाथ की सफाई फिल्म में काम किया, जिसके लिए इनके काम को काफी सराहा गया और उस साल के बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया। लेकिन अभी भी विनोद खन्ना फिल्म मेरा गांव मेरा देश जैसी जादुई अभिनय को दोहरा नहीं पाए थे, पर हाँ, फिल्मी गलियारों में और दर्शकों के बीच यह कानाफूसी शुरू हो गई थी कि अगर इस वक्त फिल्म इंडस्ट्री में अमिताभ के टक्कर का कोई अभिनेता है तो वह है विनोद खन्ना। इसी दौरान साल 1975 में अमिताभ बच्चन की बतौर लीड हीरो एक अन्य फिल्म जमीर आई और इसमें विनोद खन्ना ने भी काम किया।
पर फिल्म में दोनों का कोई खास टकराव देखने को नहीं मिला क्योंकि इसमें विनोद खन्ना ने मेहमान भूमिका निभाई थी। हालांकि इससे पहले भी दोनों महमूद साहब की फिल्म कुंवारा बाप में भी काम कर चुके थे, पर उसमें भी दोनों ने स्पेशल अपीयरेंस दिया था, लिहाजा दोनों का टकराव ना होना था और ना ही हुआ। खैर, दर्शकों की इस ख्वाहिश को पूरा किया प्रकाश मेहरा ने और दोनों को साल 1976 की फिल्म हेरा फेरी में बतौर मुख्य नायक लिया। इस फिल्म ने लोगों को इस पशोपेश में डाल दिया कि दोनों में से किसे बेहतर अभिनेता कहा जाए। लोग अभी इसी उधेड़बुन में थे कि अगले ही साल 1977 में दोनों की बैक टू बैक तीन फिल्में आई। ये फिल्में थी खून पसीना, अमर अकबर एंथोनी और परवरिश। इनमें से विनोद खन्ना ने अमर अकबर एंथोनी और परवरिश दो फिल्में तो अच्छी चुनी, पर खून पसीना को चुनकर गलती कर बैठे। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन पूरी तरह से छाए रहे और विनोद खन्ना के हिस्से में एक ऐसी भूमिका आई जो न तो उनके चिर परिचित अंदाज के अनुसार लिखा गया था और न ही उनका स्क्रीन प्रेजेंस अच्छा था। फिल्म में विनोद खन्ना एक ऐसे सहायक अभिनेता बनकर रह गए थे जिनके हिस्से में कुछ फाइट सीन्स और एक भूरे बालों का विग आया। लोगों को आज तक यह समझ में नहीं आया है कि फिल्म में इनके भूरे बालों के विग का क्या औचित्य था। कहा जाता है कि विनोद खन्ना जब इस फिल्म की शूटिंग के लिए सेट पर पहुंचे तो फिल्म की कहानी और इनकी भूमिका पूरी तरह से रद्दोबदल कर दी गई थी। यह न तो अब वह कहानी लग रही थी और न ही वह भूमिका जो इन्हें फिल्म साइन करने से पहले सुनाया गया था। जब इस बारे में उन्होंने प्रकाश मेहरा से शिकायत की तब कहीं जाकर इसमें कुछ बदलाव किए गए, पर इस वक्त तक फिल्म का अधिकांश हिस्सा अमिताभ बच्चन को लेकर शूट हो चुका था जिसे अब बदलना मुमकिन न था। अंत में मन मारकर विनोद खन्ना ने फिल्म में सहायक अभिनेता सरीखी भूमिका ही स्वीकार कर ली जो कि इनके कैरियर के लिए बेहद ही घातक सिद्ध हुआ। अगर सही मायनों में देखा जाए तो उनका इस फिल्म को छोड़ देना ही उचित होता। खैर, इसके अगले ही साल 1978 में दोनों की जोड़ी की एक अन्य फिल्म आई मुकद्दर का सिकंदर। इस फिल्म में भी विनोद खन्ना सहायक भूमिका में ही दिखे जो कि इनके नंबर वन बनने की राह में सबसे बड़ा रोड़ा साबित हुआ। यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोज की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में ऑल का बटन दबा दें।